हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। गाइज आज की मैच बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। हम लोगों को कैसे भी करके भाई आज की मैच जीतनी पड़ेगी। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कौन सी इम्पोर्टेंट मैच। इम्पोर्टेंट मैच है किंगफिशर टूर्नामेंट की। किंगफिशर टूर्नामेंट के अंदर राउंड वन हम लोग को फ्री विन मिल गया। अभी हम लोग खेलने वाले राउंड टू। और गाइज किंगफिशर टूर्नामेंट के अंदर लैन होने वाला है। अभी मान के चलो अगर हम लोग यहाँ पर हार गए ना तो भाई लैन के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाइज आज की मैच हम लोग को जीतनी पड़ेगी ताकि हम लोग इसके अंदर क्वालिफाई हो जाएं। और हाँ, अगर अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है भाई सब्सक्राइब मार लो यार। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक भी कर लेना। तो चलते हैं गाइस वीडियो के अंदर। गाइस यहाँ पर हमारी मैच लग चुकी है और अभी बचे हैं 26 मिनट और अभी तक एक भी अटैक नहीं हुआ है भाई। यहाँ पर ना टाइमली हिट नहीं है। आप लोग जब मर्जी जब अटैक कर सकते हो अपनी साइड से। गाइस 16 मिनट बचे हैं हमारी साइड से। गोयल अटैक कर रहा है, इसके अटैक को देख लेते हैं। और ये 16 मिनट के अंदर भाई साहब सबके अटैक्स दिखाना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। मेरा अटैक तो आप लोग देखोगे बिल्कुल लास्ट में। होल्ड करके रखना है मेरे को अपना अटैक, मैं करूँगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, मेरे जाने से पहले पहले जितने अटैक्स मेरी टीम से होने वाले हैं वो सारे अटैक्स आप लोगों को दिखेंगे। अभी फिलहाल ये फर्स्ट अटैक है यार हमारी साइड से और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ गोहिल से कि गोहिल ओपनिंग में ही ट्रिपल देगा हम लोगों को। फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर टाउन हॉल लिया है गोहिल ने, अर्ली ले लिया है। ठीक है नाइस। वहाँ पर ना फ्रीज मारा था क्योंकि इन्वी टावर रखा था, अगर नहीं करता फ्रीज तो वो यूज़ हो जाता, बट अच्छा फ्रीज यूज़ किया यहाँ पर गोयल ने। और गाइज यहाँ पर ना इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स के साथ ही अटैक कर रहा है गोयल, तो काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहे हैं मेरे को कि गोयल मार देगा ट्रिपल, बट फिर भी देखते हैं क्या रहता है। अभी यहाँ पर गोयल पहले फनल बना रहा है। ठीक है फनल बन गया इसका, इसने डायरेक्ट आर्मी डाल दी है। हीरोज किधर से आने वाले हैं, राइट या लेफ्ट, पता नहीं किधर से डालेगा, मेरे को तो आइडिया नहीं है। अभी राइट से डालेगा लेफ्ट से डालेगा, वैसे राइट से इसको हीरोज डालने चाहिए। अब देखते हैं कहाँ से डालता है। चलो इसको ईगल इधर अर्ली मिल जाएगी। एक अच्छी चीज़ हुई है गाइज यहाँ पर ना टेस्ला फार्म मिल गया इसको, और जब एयर स्पैम्प के अंदर अगर टेस्ला फार्म अर्ली मिल जाता है ना काफ़ी एडवांटेज रहता है भाई, क्योंकि हीरोज़ के लिए लास्ट में डैमेज बचा ही नहीं, ऐसा सीन हो जाता है। क्योंकि एयर स्पैम्प को ना टेस्ला फार्म लास्ट में भाई साहब रोक देता है, क्योंकि हीरोज़ बचे होते हैं फिर आता है उसके ऊपर डैमेज हीरोज़ के ऊपर, तो हीरोज़ कर नहीं पाते क्लियर। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी अच्छा जा रहा है अटैक। गोयल ने दोनों मल्टी इन्फर्नो को फ्रीज करके रखा है ताकि ये दोनों मल्टी इन्फर्नो इसको ईजिली मिल पाए। एक मिल गया एक बचा है, ये भी शायद मिल जाए, आई थिंक मिल सकता है क्या, नहीं मिला भाई, बच गया थोड़ी सी हेल्थ पे। फिलहाल देखते हैं क्या रहता है। किंग क्वीन चल रहे हैं, यहाँ पर मल्टी को जमाया है बट मल्टी शायद यहाँ पर नहीं मिल पाएगा इनको। फिलहाल यहाँ पर रॉयल चैंपियन बचा के रखिए, एक स्केलेटन स्पेल है इनके पास। गाइस किधर से डालनी चाहिए इनको रॉयल चैंपियन, मेरे ख्याल से इनको डायरेक्ट देनी चाहिए। यार दिक्कत आएगी, अब सी सी आ गया, रॉयल चैंपियन दे दी इन्होंने इधर से, या तो इनको ऊपर से देनी थी, अगर ये ऊपर से देते ना तो सीसी जो है ना वो जाती रॉयल चैंपियन के ऊपर और सिंगल से दूर रहती रॉयल चैंपियन फिर। अब इधर दिक्कत है भाई, अभी देखते हैं गाइस क्या रहता है। यार फिलहाल यहाँ पर रॉयल चैंपियन मर गई यार। ये जो है ना ये अटैक मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस ये ट्रिपल था, शायद रॉयल चैंपियन का यूज़ सही से नहीं किया इस अटैक में, बट कोई नहीं फर्स्ट अटैक था हमारी साइड से। परसेंट कितना आता है वो देख लेते हैं, हर एक अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पर। फिलहाल देखते हैं क्या रहता है इस अटैक के अंदर। और हाँ ये अटैक तो हो गया, 79% आया गाइज। यहाँ पर 11 भाई कर रहे हैं अटैक, देखते हैं भाई 11 भाई अटैक कर रहे हैं यहाँ पर कुछ चार ड्रैगन्स के साथ। ओके बट बेस के ऊपर गाइज चैन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखी है, इलेक्ट्रो के साथ भी अटैक किया जा सकता है इस बेस के ऊपर, बट यहाँ पर 11 भाई कुंचा ड्रैगन्स कर रहे हैं। चलो देखते हैं भाई इनका क्या प्लान रहता है। और सुमित भाई बिजी हैं, सुमित भाई नहीं खेल रहे हैं इस वाले मैच को, 11 भाई खेल रहे हैं उनकी जगह। और मन्ना नहीं है इसके अंदर क्योंकि इंडियन टूर्नामेंट से, तो मन्ना नहीं खेल पाएगा, बाकी तो आप लोग समझदार हो समझ ही सकते हो। ठीक है स्नाइपर लाइन खेल रहा है यहाँ पर मन्ना की जगह। फिलहाल यहाँ पर एयर डिफेंस को फ्रीज कर दिया है, बिलिम काफ़ी रिस्की हो गई थी ये, वो तो अच्छा हुआ बीच में कोई भी माइन नहीं थी, अगर माइन होती ना बिलिम अर्ली खुल जाती। चलो काफ़ी सही हुआ, बट इन्होंने इनवी ले रखा था स्पेल, फिर भी काफ़ी चांस रहता, अगर अर्ली भी खुलती तो चांस रहता, टीएच मिल जाता, बट इन्होंने कुछ चार्ज इधर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है अभी देखते हैं क्या रहता है, अर्ली आर्मी डाल दिया इन्होंने। ओके वार्डन डाल दिया है, ठीक है भाई एबिलिटी अर्ली डालनी पड़ेगी, डैमेज आ रहा है ड्रैगन्स पर, मार दी अर्ली। ठीक है अभी देखते हैं भाई क्या रहता है इस अटैक में। फिलहाल इनको स्कैटर शॉट मिल गया यहाँ पर, स्वीपर और इन्फर्नो को जमा दिया इन्होंने। क्वीन इनकी नीचे से आई रही है, ऊपर से किंग जा रहा है मोनोलिथ वाले कंपार्टमेंट में, किंग ने निकाल लिया सीसी को, तो ये किंग का यूज़ बहुत गलत किया है उधर, मोनोलिथ तो मिल ही नहीं पाएगा इनको अभी।
रॉयल चैंपियन में डालनी पड़ गई किंग के साथ, क्योंकि 3 आईजी की सीसी है ना, उसने स्टॉप कर दिया किंग को। अगर कुछ और सीसी होते ना तो किंग ले जाता मोनोलिथ को, बट अभी नहीं ले पाया। अब यहाँ पर देखना होगा मोनोलिथ तो चलो इनको मिल जाएगा, क्योंकि अरे रेज डाल दिया यार मोनोलिथ के लिए, बताओ रॉयल चैंपियन के ऊपर रेज लगा दिया। ठीक है अभी देखते हैं भाई क्वीन के पास एबिलिटी है, एंड ट्रिपल तो नहीं हो रहा है, बट परसेंट देखना होगा कितना आता है। परसेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि परसेंट पे भी चली जाती है कई बार वॉर, आप लोग जानते ही हो। तो फिलहाल तो गाइस यहाँ पर 67 आया है, 69 आ गया, देखते हैं भाई 69 ही रख दे भाई, नहीं 69 से ज्यादा ले गए बंदा, ये 69 वाली कैटेगरी का बंदा नहीं है। फिलहाल ये कर देगा कितना 72-3 कितना करेगा, 71 हो गया, 72 कर दिया भाई इसने, इतना ही रहेगा गाइस, इससे आगे नहीं जाएगा। फिलहाल देखते हैं गाइस आगे क्या रहता है। 8 मिनट बच चुके हैं गाइस, 2 मैच 4 हमारी साइड से, सामने वालों ने कोई भी अटैक नहीं करा अभी तक। गाइस यहां पर 3 मिनट बचे हैं, स्नाइपर लाइन आया, इसका अटैक देख लेते हैं। तो यानी कि हम लोग यही वाला अटैक देख पाएंगे, उसके बाद आप लोग देखोगे डायरेक्ट मेरा अटैक लाइव। ठीक है, अगर ये ट्रिपल मार देता है स्नाइपर लाइन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे हमारे कि हम विन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई करेगा इलेक्ट्रो के साथ अटैक और रिंग बेस आ रखा है, स्लेमर के साथ अटैक करेंगे हम, या तो होगा 1 स्टार या तो होगा 3 स्टार। ठीक है, 1 या तो ट्रिपल, ऐसा रिक्स है। अगर ये ट्रिपल मारता है तो ये भाई के भी चांस रहेंगे, वो भी ट्रिपल मार देंगे, कुल मिला के वॉर मतलब जीत जाएंगे हम लोग। लेकिन स्टार्टिंग काफ़ी बेकार हुई है, 2 में 4 है, बट यहाँ पर देखते हैं स्नाइपर भाई के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड है। तो फिलहाल ये बिल्कुल पीछे की साइड से यार चार्ज कर रहे हैं वार्डन के साथ, वार्डन भी डाल दिया इन्होंने क्वीन के साथ। अच्छा अरे यार स्वीपर बॉलर कर रहे हैं भाई, ये मैंने ध्यान ही अब दिया है। चलो ये आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रो टाइटन, फिर आ गया सुपर बॉलर्स। ठीक है भाई पूरा बैक साइड से, अरे इन्होंने यार SB डाला इधर, भाई FF यूज़ कर लेते यार, SB से क्या हुआ इधर डालकर। गाइस SB डालने का कोई लॉजिक बना यहाँ पर, आप लोग मेरे को बताना। यहाँ पर तो यार FF यूज़ होना चाहिए था, अभी यहाँ पर FF होता तो ये RC वाला कंपार्टमेंट, मतलब FF यार कुछ ना कुछ डिफेंस तो तोड़ता ना यहाँ पर, बट ये विजार्ड्स निकल रहे हैं और क्या यार FF यूज़ करते यार। वॉल्क जो है वो तो बाद में भी निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं यार मतलब यहाँ पर इन्होंने SB क्यों यूज़ करा भाई, हाइब्रिड थोड़ी था यार ये, जो मतलब CC में से हॉक्स आने वाले। फिलहाल यहाँ पर सुपर बॉलर्स भाई इनके मर चुके हैं, वार्डन एबिलिटी इन्होंने यूज़ कर ली है, और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा अब कि टाउन हॉल आने वाला है। टाउन हॉल देख लो कितनी दूर रखा हुआ है गाइस, वो इनके पास एबिलिटी है, 1 रेज 1 फ्रीज है। अगर ये टाउन हॉल निकाल देता काफ़ी अच्छा हो जाएगा भाई, निकाल दे, इतने जंप भी गलत डाली है। क्वीन देखो किधर है और जंप देखो किधर पड़ी है, उसको लगा कि बिल्कुल बीच में से क्वीन आएगी, लेकिन बीच में से क्वीन गई नहीं। येलो भाई कर लो बात, अब तो गाइस खत्म है, ये मैच फंस गई है, अब नहीं हो रहा कुछ भी इस मैच में। तो गाइस देख लो यहाँ पर सामने वालों ने अटैक्स होल्ड करके रखे थे, ये लोग मतलब घुस चुके हैं सारे एक साथ, मेरे को इस पर करना है। ठीक है टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए मैं भी जाने वाला हूँ। तो ये भाई अभी लाइव है, आप लोग देख सकते हो, बट यार देखते हैं यार क्या रहता है ना। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिंग बेस है मेरे सामने, अभी तैयब भाई को और मेरे को ट्रिपल मारना पड़ेगा हर हाल में, बट अपना तो स्लेमर के साथ ही प्लान था, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, तो मैं तो करने वाला हूँ भाई, बाकी देखते हैं क्या रहता है। वैसे काफ़ी चांस है मैं निकाल दूंगा इसको, बाकी देखते हैं क्या रहता है, लक पे भी डिपेंड रहती हैं काफ़ी चीज़ें। अभी चलो इलेक्ट्रो मेरे बिल्कुल सही आ रहे हैं, टोर्नाडो अर्ली निकल गया, ये काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब TH के पास अब दिक्कत नहीं होगी मेरे को। चलो भाई काफ़ी अच्छा कंट्रोल करके रखा है मैंने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को, बिल्कुल सेंटर में लेकर आ गया हूँ मैं जहाँ पे लाना था इनको। नाइस फ्रिज स्पेल बची हुई है मेरे पास, ठीक है अभी 4 फ्रिज बची हुई हैं, नाइस अभी बिल्कुल मतलब रोक के रखा है मैंने हीरोज को ना। चलो अब किंग की एबिलिटी इधर यूज़ हो गई, पीछे से कोई नहीं रही है अपनी, ओके चलो भाई नाइस, अच्छा जा रहा है अटैक काफ़ी। अभी देखते हैं गाइस क्या रहता है, 3 फ्रिज 1 इनवी 1 पॉइजन है अपने पास, ठीक है ईगल अभी तक बच चुकी है, ईगल अभी यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगी, क्वीन उसको डाउन कर रही है, ठीक है नाइस। चलो भाई काफ़ी अच्छा जा रहा है अटैक, बाकी देखते हैं क्या रहता है। गाइस OP जा रहा है अटैक, क्वीन की एबिलिटी इधर यूज़ हो गई, रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है, नाइस मैंने एक्सबो को जमाया ताकि रॉयल चैंपियन पर डैमेज ना आए। चलो वो एक्सबो निकल गई, वो फ्रिज नहीं मारता ना तो भी दिक्कत नहीं थी, बट मैंने मार दिया क्योंकि ट्रिपल चाहिए था इधर, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते।
चलो बाकी वाली स्पेल स्वेग मार देते हैं, इसका कोई काम मेरे को लग नहीं रहा है। काफ़ी मतलब तीन इलेक्ट्रो बच गए अपने, रॉयल चैम्पियन बच गई, क्वीन बची हुई है ना, और भाई स्पेल्स देख लो, चार स्पेल्स बची हुई हैं। ये स्वेग दे दी हमने सारी, और लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल लास्ट में अटैक करा है और बहुत ही दबाव वाले अटैक होते हैं ऐसे टाइम पे। तो गाइस रिजल्ट पे नज़र डाल लेते हैं। तैयब भाई इधर लाइव हैं अभी, ठीक है भाई, सामने से 11 दिखा रहा है, हमारी साइड से 10 दिखा रहा है। तैयब भाई का शायद लाइव चल रहा है, येलो उनका 12 हो गया। तैयब भाई का लाइव चल रहा है अभी, देखते हैं यार क्या है इनका, इनके इसमें भाई। ओके गाइस इनका फेल हो गया है, 77% 78 आ जाएगा ज़्यादा। फिलहाल यहाँ पर मेरे बेस के ऊपर लाइव चल रहा है एंड देखते हैं भाई कितना आ रहा है। वही अपना गाइज ओल्ड वाला बेस 76 आ रहा है, ठीक है चलो गाइज कोई नहीं। तो गाइज ये रहा फाइनल स्कोर आप लोगों के सामने, सामने से 5-12 और हमारी साइड से 5-10। ये मैच हम लोग हार चुके हैं गाइज। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू।